ये नवलखा महल है महाराणा सत्यम सिंह जी का महल हुआ करता था। इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे। इसको पर्यटकों के लिए भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक के रूप में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो सुंदर का डेवलप हो गया इसको, ये सारा हम लोग मंच आयोजन के आधार पर हमारा सारा जो है डोनेशन से चलता है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज को दिखाएंगे। तो जैसे जैसे फंडिंग की व्यवस्था होती है इसको करते जा रहे हैं। गवर्नमेंट का ऐसा मैं कहूँ जैसे स्मार्ट सिटी का हमें सहयोग मिला था, जिसको उनकी हेरिटेज बिल्डिंग को इसको जीर्णोद्धार करने में उन्होंने बहुत लगभग 50,000 रुपये का सहयोग किया, तो वो तो उन्होंने कर दिया। बाकी ये सब प्रोजेक्ट जो हैं ये मैं करने पड़ रहा है। मैं अध्यक्ष की हैसियत से स्वागत करता हूं और अत्यंत प्रसन्नता अभिव्यक्त करता हूं कि मैडम के साथ आप सभी लोग यहां पधारे, आपके शुभ कदम यहां। तो मैं ये थोड़ा थोड़ा आपको डिस्क्राइब करूंगा, समय की सीमा को देखते हुए मुझे बताया गया समय बहुत कम है, तो उस लिहाज से मैं आपको केवल एक 7 मिनट यहाँ की एक भजन आपके सामने चलाएंगे। वैसे मैं ये बता दूंगा यहाँ बच्चों के लिए 3D है, ये 3D सेटअप हमने लगाया है, 7.2 चैनल का लगाया है, भगत सिंह चंद्रशेखर एनिमेशन फिल्म्स जो हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि सारे बच्चों को यहाँ लाया जाए और भारतीय संस्कृति से उनको रूबरू कराया जाए, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आजकल वो देखने को नहीं मिलती है। तो ये हमारा पूरा उद्देश्य, आप सबके आशीर्वाद से ये सफल होगा। अब मैं आपको ये चलाओ भाई। भाइयों और बहनों, युग प्रवर्तक महर्षिवर देव दयानंद की इस पवित्र कर्मस्थली भव्य नवलखा महल में आपका स्वागत है। यह नवलखा महल आज से 150 वर्ष पूर्व मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह जी का अतिथि गृह था। प्रार्थना पर उस समय के महान समाज सुधारक, धर्म संशोधक, वेदों के अद्वितीय व्याख्याता, स्वराष्ट्र स्वसंस्कृति स्वभाषा के प्रथम उद्घोषक महर्षि दयानंद सरस्वती ने यहाँ लगभग 6.5 मास विराजकर मेवाड़ नरेश और उनके प्रमुख सामंतों और मेवाड़ की जनता के मध्य वैदिक संस्कृति के भावों के उन्नयन के अनेक कार्य किए। Thank you.
महर्षि दयानंद ने अपने उदयपुर प्रवास में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिनमें सत्यार्थ प्रकाश जैसे कालजयी ग्रंथ रत्न का प्रणयन संपूर्ण करना सर्वाधिक महत्व का कार्य है। सत्यार्थ प्रकाश ऋषि दयानंद के संपूर्ण विचारों का प्रतिबिंब है, इसलिए प्रत्येक सुपठित व्यक्ति को एक बार सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पढ़ना चाहिए। ऋषि दयानंद का जिस समय भारत में आविर्भाव हुआ, उस समय हमारा देश पराधीन था, हमारा समाज अनेक प्रकार की कुरीतियों से ग्रस्त था। बाल विवाह, सती प्रथा तथा छुआछूत जैसी समस्याओं ने हमारे समाज को तोड़ दिया था। संक्षेप में कहें तो हम वेद के पथ से दूर जा चुके थे। ऐसे समय में गुजरात के टंकारा ग्राम में श्री करसन लाल जी तिवारी के यहाँ इनका जन्म हुआ। बचपन में इनका नाम मूल शंकर था। मूल जी के पिता धन धान्य से संपन्न थे, धार्मिक कर्म कांडों में अत्यधिक रुचि रखते थे। मूल जी का यज्ञोपवीत 8 वर्ष की आयु में करवा दिया गया। मूल जी पर भी पिता के ही संस्कार थे। जब वे 14 साल के थे तो अपने पिता व अन्य बुजुर्गों के साथ उन्होंने भी शिवरात्रि का व्रत रखा, परंतु रात्रि में इन्होंने जब शिवलिंग पर चूहों को चढ़ते देखा तो पिता को जगाकर कहा कि ये कैसे शिव हैं जो चूहों को नहीं भगा पा रहे। बाल मन के इस प्रश्न का समाधान पिता समुचित रूप से नहीं कर पाए, बस यही कह सके कि सच्चे शिव तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं। मूल शंकर ने तभी संकल्प कर लिया कि वे सच्चे शिव को प्राप्त करके रहेंगे। जब मूल जी की 14 साल की बहन और उसके पश्चात प्रिय चाचा की मृत्यु हुई तो इनके मन में वैराग्य के भाव प्रबल हो गए। जब मूल जी के इन भावों का पता माता पिता को चला तो उन्होंने इनका विवाह कर देना ही उचित समझा। जब घर में विवाह की तैयारियां चल रही थी तो इस बंधन से मुक्त होने के लिए मूल जी 22 वर्ष की अवस्था में थी। महाराणा सज्जन सिंह के आमंत्रण पर ऋषिवर 10 अगस्त 1882 को उदयपुर पधारे और नवलता महल में निवास किया। यहाँ प्रतिदिन महाराणा सज्जन सिंह व उनके सामंतों को सदुपदेश करते रहे। यहीं पर अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के प्रामाणिक संस्करण का प्रणयन उन्होंने संपूर्ण किया और यहीं पर अपनी उत्तराधिकारिणी सभा श्रीमती परोपकारिणी सभा का गठन किया और महाराणा सज्जन सिंह जी को उसका प्रधान नियुक्त किया। उदयपुर से प्रस्थान करने के पश्चात श्री महाराज शाहपुरा रुके। महाराजा नाहर सिंह जी उनके शिष्य थे और उन्होंने अपने राज्य कार्य में स्वामी जी की सम्मति के अनुसार अनेक सुधार किए। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह नर्तकियों के नृत्य में अत्यधिक रुचि रखते थे। जोधपुर प्रवास में स्वामी जी जब एक दिन अचानक वहां पहुंच गए तो उन्होंने ऐसा ही एक दृश्य देखा। स्वामी जी ने महाराजा को इसके लिए लकारा, परंतु उनकी इस बात से देवेशा नन्नी भक्तन चढ़ गई और उसने अन्य ऐसे ही संकीर्ण विचारधारा वाले विरोधियों से मिलकर स्वामी जी के रसोइये को अपनी ओर मिलाकर उन्हें दूध में विष दे दिया। स्वामी जी दूध पीकर सो गए। रात्रि में तबीयत खराब हुई तब भान हुआ कि उन्हें विष दिया गया है। दया व क्षमा के अवतारी इस पुरुष ने रसोइये को बुलाकर उसे रुपये देकर वहां से भाग जाने को कहा। उचित चिकित्सा से संभवतः स्वामी जी ठीक भी हो सकते थे, परंतु उनका चिकित्सक अली मर्दान भी षड्यंत्रकारियों से मिला हुआ था। दवा के बहाने और जहरीली वस्तुएं देता रहा। अवस्था बिगड़ने पर श्री महाराज की इच्छानुसार उन्हें अजमेर ले जाया गया। अजमेर पहुंचकर अनेक चिकित्सा के उपरांत भी स्वामी जी के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ और अंततो गत्वा दीपावली के दिन सायंकाल के समय श्री महाराज ने वेद मंत्रों का पाठ करते हुए समाधिस्थ हो यह कहते हुए कि हे दयामय सर्वशक्तिमान, तेरी यही इच्छा है, तेरी इच्छा पूर्ण हो, अद्भुत तेरी लीला है, अपने प्राण त्याग दिए। दीपावली के दिन अपने जीवन का दीपक बुझा देने वाले स्वामी दयानंद ने लाखों करोड़ों मनुष्यों के जीवन दीप को जलाने के लिए ही यह बलिदान दिया था। ऋषि दयानंद की देन को हम इस संक्षिप्त कलेवर में प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, परंतु जो भी ऋषि के ग्रंथों को पढ़कर विशेष रूप से सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर उसकी शिक्षाओं पर चलने का प्रयास करेगा वह अवश्य अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त होगा, ऐसा हमारा विश्वास है।
इसलिए मैंने एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट भी आपके सामने डाला थी। के समय में लोगों ने कह दिया पुंसवन का मतलब पुत्र पैदा करना, यानी वहां विभेद कर दिया, जेंडर का विभेद कर दिया कि पुत्र पैदा करने के लिए पुंसवन, परंतु ऐसा नहीं। महर्षि दयानंद ने शास्त्रों के आधार पर स्पष्ट किया कि पुत्र हो या पुत्री, गर्भस्थ शिशु के शारीरिक बल का संचय के लिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। और इसमें जो वेद मंत्रों का विनियोग है उनमें उन चीजों को बताया जाता है कि किस प्रकार से ये संभव। ये तीसरा संस्कार सीमंतो नहीं संस्कार जो ये हिमाचल प्रदेश में ये जो है सातों महीने में होता है, और जैसा हमने कहा वहां पर शारीरिक दृष्टि से उसको मजबूत बनाने की बात थी, यहाँ मानसिक रूप से मजबूत बनाने की, प्रखर बनाने की बात है। सीमंत उन्नयन मस्तिष्क का किस प्रकार से विकास हो उसकी सारी प्रक्रिया संस्कार। संस्कार में होता क्या, संस्कार कर लेने मात्र से ही कोई ऐसा हो जाएगा चमत्कार ऐसा नहीं होता, परंतु इसमें जिन मंत्रों का विनियोग करके ऋषियों ने बताया है उन शिक्षाओं को माता पिता तो ये सीमंत हो रहे हैं। ज्यादातर ये फिर पंजाब में हमने जात कर संस्कार दिखाया है, बच्चा जो है वो पैदा हो गया और उस बच्चे के जिह्वा पर पिता लिखता है ओम, ओम परमात्मा का मुख्य और निष्ठ नाम है। शुरू से जीवन आध्यात्मिक हो, आध्यात्मिक के चारों तरफ की सब चीजें जब विकसित होती है तभी व्यक्ति सुस्थिर रहता है। तो इसलिए ओम लिखा, कानों में कहा वेदोसी तू वेद बन, वेद क्या बन मतलब ज्ञानवान बन, मनुष्य अगर ज्ञान नहीं है तो वो बेकार है, पशु के समान है। तो वहां कहा वेदोसी, दो बातें और यहाँ पर कहीं संक्षेप में, अश्मा भव और परशु। अश्मा भव क्या है कि तेरा शरीर पत्थर के समान दृढ़ हो जिससे संसार की कोई भी चीज तुझे हिला न सके, और परशुर भव तेरी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र हो जैसा फरसा होता है, जैसे फरसे की तरह जो अंधविश्वास है उसको आगे। महाराष्ट्र में ये नामकरण संस्कार हो रहा है, ये नामकरण संस्कार है, पिता नाक की तरफ स्पर्श करके कह रहा है कि बेटे तू मुझे उतना ही प्रेम है जैसे कि कामवासी को, और मैं तेरा उसी प्रकार से विकास करूंगा। दूसरा ऋषि ज्ञानंद के समय तक क्या था, नाम बड़े विचित्र होते थे, इनका कोई जुआड़ माल है सुंदर और सार्थक। आज हम देखते हैं सब लोग हर व्यक्ति जो अपने बच्चे का नाम सुंदर से सुंदर रखने का प्रयास, ये निष्क्रमण संस्कार है। अभी तक बच्चा अंदर था, अब उसे बाहर निकाला है और प्रकृति से उसका जो है परिचय कराया जा रहा है। प्रातः काल सूर्य से परिचय कराया था, अभी चंद्र दर्शन कराया जा रहा है, और ये अर्घ्य दे रही है इनकी माता और परमात्मा से प्रार्थना कर रही है, प्रभु आपकी कृपा से हमारे जीवन में पुत्र जनित कोई कष्ट न हो और हमसे भी पुत्रों को हमारे संतान को पूरी कर। ये म्यूचुअल जो है
अन्य प्राचीन संस्कार है। आपने बैकग्राउंड लिया वो ये केरल का इसके बैकग्राउंड भी जो है वो उसी तरीके के सारे ताकि लोग थोड़ा सा आनंद लेके हमारे केरल का अलग कार्य में इससे यही बात करती है कि केवल वही अन्न होना चाहिए वो भी शरीर के लिए हितकारी नहीं है परंतु जैसा खाए हम वैसा होते मन तो इसलिए वो तामसी प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए सात्विक प्रवृत्ति का होना चाहिए अभी से वो हाँ पैसा बहुत करते मेरे बहुत अच्छे ये कश्मीर में चले गए मैं और यहाँ पर ये मुंडन संस्कार हो रहा है अंतिम अमल को दूर किया जा रहा है। वैसे इसमें कई वो उस तरह की आध्यात्मिक शिक्षाएं भी हैं उनको ये गुजरात के ग्राम्य अंचल में चले गए हम थोड़ा भी शहरी वातावरण हुआ वहां पर ये बच्चे का जो है कर्णवेद संस्कार होगा। सुश्रुत कहते हैं केवल आभूषण के लिए नहीं होता यहाँ एक विशेष जगह होती है अगर उसको देखा जाता है जानकार लोग अगर उसको सही ढंग से करें तो कई प्रकार के रोगों की निवृत्ति हो जाती है। अब तक ये सारा काम जो है वो माता पिता के पास में हो रहा था वो कर पा रहे थे अब विशेषज्ञों की तरफ जाने की बारी आ गई तो उपनयन उपनयन का मतलब समीपना किसे किसके समीपना शिष्य को गुरु के आचार्य के आचार्य के समीपना परंतु क्रम बदल गया तो हमने यहाँ पर लड़की का भी दिखाया है लड़के का भी दिखाया है कारण ये जो बीच के काल में बिल्कुल कह दिया गया है लड़की को युद्ध मतीन करने का कोई अधिकार नहीं है न मन को सुनने का अधिकार है पिछले आनंद वेदों के आधार पर कहा कि लड़की को भी उतना अधिकार है जितना कि ये यहाँ पर अब आगे गुरु के समीप वेदारम्भ संस्कार है संहिता का दान करते हुए तैयार कि हे गुरु जैसे ये हवन कुंड में जाकर के दीप्तिमान हो जाएगी तो किसी प्रकार आपके ज्ञान से मिलकर चमत्कार आज भी हो सकता है। ये कन्वोकेशन समावर्तन कहते हैं इसको। अब ये कन्वोकेशन सेरेमनी है। अब ये घर जा रहे हैं 16-18 साल ये पढ़ लिए यहाँ पर। अब इनके मन में जो भी कास्ट ग्रीड ऊपर नीचे सारी भावनाएं क्रश हो चुकी हैं। ये सब एक तरह से रहे एक साथ खान पान था एक साथ रहना सहना था कृष्ण और सुदामा दोनों ही लकड़ियां बीनने जाते थे ऐसा नहीं कि कृष्ण को कोई प्रिविलेज प्राप्त तो उसी तरीके से अब ये तैयार हो गए। संसार में तीन ही दुश्मन होते हैं मानवता के अत्याचार अन्याय और अभाव उनको दूर करने की यानी समाज में इनका दायित्व जीविका के अलावा समाज में किस चीज का ये योगदान करेंगे वो आजकल निर्धारित हो गए। ये बंगाल में ये विवाह संस्कार हमने इसकी कमेंट की केवल दो तीन जो लाजावरण का क्या मतलब होता है सप्त का क्या मतलब होता है अगर वैदिक स्थिति से संस्कार कराया जाए तो लोगों को पता चलता है उद्देश्य क्या है और वस्तुतः हम क्या क्या करते हैं। आजकल होता क्या बेटा मंडप लोग आपस में बंद को डाल देते हैं वर वधु को कुछ पता नहीं होता कि हमने क्या है तो वो समझना चाहिए। अब ये आश्रम व्यवस्था को आगे ले जाते हैं वानप्रस्थ एक समय आने पर अब ये इनका परिवार बड़ा हो गया अभी छोटा परिवार था अब पूरा गाँव पूरा मोहल्ला पूरा शहर इनका परिवार हो गया अब ये यहाँ करके परित्राट हो जाते हैं संन्यास ले लिया इन्होंने अब ये पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व पूरी मानवता इनके सब्जेक्ट हो गई सबकी उन्नति सबके भलाई की ये चिंता करते हैं सत्योपदेश देते हैं और अपने जीवन को निश्रेयस के पथ पे चलाते हुए उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये एक हकीकत है जीवन की अंतिम हकीकत यही है। ओम क्रतो स्मर इसलिए कह वायुर्निलम अमृत मधेदम भस्मांतम शरीर शरीर का अंत जो है केवल यजुर्वेद का मंत्र है भस्म हो जाना ही इसकी अंतिम नियति है।
परंतु आत्मा जो है वो अजर अमर है, जैसे कर्म यहाँ पर सीख करके उसने अपने किए हैं उसी के हिसाब से उसको पुनर्जन्म प्राप्त होगा। यहाँ भी हमने महिला को लड़की को दिखाया है, यहाँ भी कोई बाधक नहीं था क्योंकि लड़कियां थोड़ी, इसलिए उसका कारण बता, क्योंकि लड़कियां जो है वो करुण स्वभाव की होती, वो उस दृश्य को झेल नहीं सकती ऐसा माना जाता है, परंतु उस प्रतिबंध स्वैच्छिक है, एक परंपरा जो डाली गई वो स्वैच्छिक है, परंतु ऐसी आकर के पड़े तो लड़कियां भी जा सकती हैं, ऐसा कोई शास्त्रीय प्रतिबंध नहीं, पारंपरिक प्रतिबंध है, और वो भी इस कारण से है कि महिलाएं डेफिनेटली पुरुष के मुकाबले कोमल हृदय की होती हैं, उनके मन में कोमल भाव ज्यादा होते हैं, उनको ये विदाई का अवसर ज्यादा व्यथित कर सकता है, इसलिए वो परंपरा। तो जी ये भाई जो है पूरा आयुष्मान का है, ये अपने एंट्री को एग्जिट है, यहाँ पे हिंदुस्तान के जितने भी ऋषि मुनि महापुरुष जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका हमने पिक्चर्स वगैरह बनाया था, स्वामी दयानंद जी की पिक्चर जीवन नहीं है, ये सारी पिक्चर्स हैंडमेड थी, इसलिए इसको आर्ट नेगेटिव बोला जाता है। यहीं से अपन शुरुआत करेंगे, तो यहाँ पर मुझे गाइड की पोस्ट दी गई है, ये पोस्ट मैडम बिल्कुल निःशुल्क सेवा है जिसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, यहीं से अपन शुरुआत करेंगे। ये ऋषि अग्नि वायु आदित्य और अग्निरा ईश्वर ने पृथ्वी की संस्थान से कर दी, लेकिन अब नीचे देखिए तो कौन कैसे खाए क्या पहने क्या बैठे होंगे उसका कोई ज्ञान नहीं था, तो फिर इन चार ऋषियों को चुना उन्होंने और फिर इनको चार को वेदों का ज्ञान दिया था, चार वेद जो उत्पन्न हुए थे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद का, और फिर इन चार ऋषियों ने फिर ब्रह्मा जी को चुना और वही ज्ञान इन चारों को ब्रह्मा जी को कमाए, और ब्रह्मा जी ने फिर आगे से पहुंचाते हुए अभी तक वेदों के आधार से सृष्टि चल रही है, मतलब अग्नि वायु आदित्य अग्नि ये ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद से जुड़ गए, ये हमने महर्षि जैसे जी माना है, इन्होंने यहीं पे महर्षि दयानंद सरस्वती को आमंत्रित किया था और ये अतिथि कक्ष हुआ करता था, सारी छी बातों स्वामी जी ही बैठे थे। भारतीय वैदिक संस्कृति ऋषियों की परंपरा रही है, चाहे अपन पतंजलि को लेकर योग दर्शन आता है, गौतम ऋषि को स्वामी दर्शन पर जितने भी सभी ऋषि आते हैं सभी ऋषियों की परंपरा रही, महर्षि वाल्मीकि और लेकिन बाहर वाले लोग इसको ले जाएंगे वापस उसको डेवलपमेंट करके वापस अपने को ही भेज सकते, जैसे कि ये पतंजलि योग दर्शन प्रथम योगा की ओपनिंग इन्होंने की थी विश्व में, ये कणा परमाणु आइटम बॉम्ब जो बन रहे हैं उनके कणों की खोज करने वाले थे, सांख्य पत्र के कपिल मुनि गौतम ऋषि जैमिनी ये बाद में की थी रामायण वाले, ये व्याकरण आचार्य संस्कृत के रचयिता वेद व्यास जी महाभारत और गीता लिखने वाले, इन्होंने हिंदुस्तान में प्रथम आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की खोज की थी चरणनाथ, ये सुषम जी हैं मैम तो पहली जो शल्य चिकित्सा जो हुई ना प्रारंभिक चरण उनके माध्यम से हुआ शल्य चिकित्सा का होता है, ये अपने सारे समाज के विद्वान थे आदर्श, ये सारे साइंटिस्ट हिंदुस्तान के हैं प्रथम, जैसे कि आर्यभट्ट चाणक्य जी ज्योतिषाचार्य भास्कराचार्य भारद्वाज सारे, जब राम वनवास को जब जाते हैं ना तो भारतराज मुनि जी के जो आश्रम में जाते हैं ना तो पक्षपात लोग जो भी जो सशस्त्र थे उनके माध्यम से प्राप्त करते हैं। ये सिद्धांत जैसे कि टीवी वालों ने बताया तो उनका कुछ अपोजिट, जैसे कि टीवी वालों ने पैसे कमाने के लिए कुछ भी झूठ फूट बता दिया, लेकिन ये शुद्ध वाल्मीकि द्वारा रामायण लगा दिया, जैसे कि रामायण में लक्ष्मण जी को जब बाहर निकलते तो हनुमान संजय की बूटी ले जाते हैं, वहाँ पे भी देखते हैं पूरे प्रवचन में तो कंफ्यूज हो गए, तो फिर उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जड़ी बूटियों को उठ के हाथ में समेट के लाए थे, तब उस वेद ने एक बात बोली थी आपने ये क्या किया, मैंने तो आपसे एक जड़ी बूटी मांगी थी संजीवनी बूटी, आप इतनी सारी जड़ी बूटी क्या पर्वत से उठा के लिए आए क्या, ये उस वेद के द्वारा बोली गई एक बात थी मुहावरा, इस बात का बतंगड़ बना के टीवी वाले ने उनके हाथों में पर्वत थमा दिया
ये जो कक्ष है योगिराज श्री कृष्ण के जीवन चरित्र का ये श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के बारे में तो आप सब जानते ही हो सर। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि योगिराज श्री कृष्ण से भगवान श्री राम तो क्या है महलों में सब उत्पन्न हुए थे। श्री कृष्ण एक कारागृह से जो युवती जो जेल कारागृह से उत्पन्न होकर मनुष्य के विशेषतम सोपान पर पहुंचता है वो वास्तव में जीवन में एक उत्कृष्ट योगदान रहता है। महर्षि दयानंद सरस्वती के शब्दों में अगर देखें तो आप्त पुरुष के सदृश माना गया है कि उनके क्यों चाहे निर्भीकता का परिचय हो चाहे मतलब सुदृढ़ता का परिचय हो चाहे मित्रता का परिचय हो अन्य तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं तो श्री कृष्ण के विषय में बताया जाता है। ये कुछ हमने यहाँ पे मेवाड़ की मुद्राएं ले गई जो महान सपूत हुए स्वतंत्रता सेनानी उनका जब छोटा छोटा प्रयास किया हालांकि स्वतंत्रता सेनानी तो बहुत हुए मगर जो भी संकलन हमें जो प्राप्त हुआ है हम यहाँ देने का प्राप्त किया है क्योंकि स्वतंत्रता में भी ये कि मैं अपनी प्राणों की आहुति देने वाले सारे राष्ट्रपति ये जो कक्ष है नहीं होना चाहिए ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज जी की भेंट कर अनुरोध सत्य आज आज आप अपन बड़े सौभाग्य का अध्यक्ष के आज अपन इस कम से को देख रहे हो यहां बैठे यहीं पे बैठे हो कक्ष के और यहीं पे ये सत्य का से जो भी स्लोगन वगैरह है अपने यहां ये उसके 14 संगुला संगुला सुनते हैं और मैडम ये सारे विंडोज से खिड़कियां को जमा में क्योंकि उन जमाने में लाइट थी नहीं तो इनके द्वारा रोशनी हवा आती थी जिसके माध्यम से मुख में लिखे हुए होंगे सर जी हाँ।
मंत्री कैसे हैं जी मैडम, सरकार प्रकाश का सार यहाँ पे लगा है 24 भाषाओं में, क्योंकि उदयपुर में सब प्रकार के और सब देश के लोग घूमने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे हमने 24 भाषाएं लगाई है। किसी भी देश का या कोई से भी प्रांत का जाए तो उस किताब का सार पढ़ सकते हैं। लॉकडाउन से पूर्व में यहाँ देखने वालों की संख्या 25 से 30 हज़ार की संख्या, अब आप इसका आंकलन कर सकते हो। ये बताइए, ये गुजरात प्रांत टंकारा गाँव में ये जब मथुरा में जाते हैं तो मैंने दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से आवाज आती है, कौन स्वाभाविक अपन कहीं जाते हैं तो मतलब बोलता है तो भी अंदर से आती है, गजानंद जी के आश्रम में जाते हैं तो अंदर से आते हैं, कौन स्वामी जी महाराज कहते हैं यही तो जाना है, इसे कुर्सी जी भाव यहाँ से ये यहाँ पर ये क्या ये निर्मित का